नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमबी स्पीक्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि क्या आपने कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन लगवाई है? आप पूछेंगे कि मैं आपसे क्यों पूछ रही हूं, तो दोस्तों उसका जवाब ये है कि अगर आपने वैक्सीन ले ली है, अगर आप उस कैटेगरी में आ रहे हैं और आपको वैक्सीन मिल चुका है, तो आप ये समझ लीजिए कि कोरोना होने पे हॉस्पिटल जाने की आपकी संभावना केवल 80% रह जाएगी और आईसीयू की ज़रूरत केवल 6% रह जाएगी। जी हाँ, वैक्सीन लगवा चुके लोग अगर कोरोना वायरस से इफेक्टेड होते हैं, संक्रमित होते हैं, तो उनके हॉस्पिटल में एडमिट होने की संभावना 75 से 80% कम हो जाती है और उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने की संभावना केवल 8% रह जाती है और आईसीयू में एडमिट होने की ज़रूरत केवल 6% रह जाती है। नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वी के पॉल ने आज कोरोना के हालात पे मीडिया से जब बात की, तो उन्होंने ये बात सबके सामने कहीं उनका ये दावा है कि कई स्टडीज ने ये दावा किया है कि जो लोग कोरोना का वैक्सीन ले चुके हैं, चाहे वो कोई भी वैक्सीन हो, वो फायदे में ही रहेंगे। उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात को मीडिया के सामने रखा, उस हिसाब से रूरल एरियाज में 18 साल से कम उम्र के लोग सीरो पॉजिटिविटी रेट 56% और 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में ये रेट 63% है। इस जानकारी से ये अंदाज़ा लगता है कि बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए थे, इफेक्टेड हुए थे, उनको कोरोना हुआ था, लेकिन उन पे इसका असर जो है बिल्कुल नाम मात्र को था। तीसरी लहर में भी बच्चों के संक्रमण के कुछ ही मामले सामने आएंगे, ऐसा उनको लगता है। एम्स के सर्वे भी यही कह रहे हैं कि 18 साल से कम और इससे ज़्यादा उम्र के लोगों में सीरो पॉजिटिविटी लगभग बराबर है। 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में ये 67% और इससे कम उम्र के लोगों में ये 59% बताई गई है। शहरी इलाकों में ये 79 और 78 का रेशो है इसका। और अब जब ये बात हो रही है कि नए इसके वेरिएंट आ रहे हैं, तो उसमें भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वायरस के म्यूटेशन होता ही रहेगा और उन्होंने ये कहा कि कोरोना वेरिएंट आते रहेंगे, बढ़ते भी रहेंगे। इसे काबू करने के फार्मूले में कोई बदलाव भी नहीं आने वाला है। नया वेरिएंट आए इससे पहले ही हमें उससे बचने के लिए तैयार रहना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि 22 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने कोरोना का पहला डोज ले लिया है, वहीं 5 करोड़ से ज़्यादा को दूसरा डोज भी लग चुका है। लेट्स होप कि ये संख्या निरंतर बढ़ती जाएगी। और एक बार फिर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जिस भी कैटेगरी में है और जो भी आपको रजिस्ट्रेशन के द्वारा या जिस भी तरीके से आप चाहते हैं आपका वैक्सीनेशन हो, आप उस फॉर्मूले को, उस तरीके को अपनाएं और वैक्सीनेशन ज़रूर अपना करवाएं, क्योंकि अगर आप वैक्सीनेशन करवा लेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा आप फ़ायदे में ही रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है। और एक और बात है कि वैक्सीनेशन को लेकर के तमाम तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन आपको किसी भी अफवाह पे उसको फॉलो नहीं करना है, उसे विश्वास नहीं करना है। देखिए, ये एक अभियान है और अगर आप वैक्सीनेट होते हैं तो आप केवल अपना ही फायदा नहीं कर रहे हैं, आपके साथ जो लोग रह रहे हैं, इसके अलावा जो आपके आसपास लोग रह रहे हैं, उन सभी को फायदा होता है। अगर हम ये सोचेंगे तो हर व्यक्ति वैक्सीनेशन
के लिए आगे बढ़ेगा और वैक्सीनेशन करवाएगा, और धीरे 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 हम उस स्टेज में पहुंच जाएंगे जैसे हमने कई बड़ी बड़ी बीमारियों पे जीत हासिल की है, और ऑब्वियसली हम कोरोना पे भी जीत हासिल करेंगे। हमने मलेरिया पे जीत हासिल की, हमने बहुत सारी बीमारियों पे जीत हासिल की है। पोलियो के लिए अभी तक अभियान चल रहे हैं और लगभग लगभग पोलियो इस समय खात्मा सा हो चुका है उसका, लेकिन अभी भी सरकार उस पे जो किया जाना चाहिए वो किए ही जा रही है। तो कुल मिला के बात ये है कि आप कोरोना का वैक्सीन ज़रूर करवाएं। जय हिंद, जय भारत।